नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एनी राज अपने चैनल बाबा होम्यो निलय में आप सभी का यथोचित अभिवादन करते हैं। आज हम लोग जानेंगे महिलाओं में दूध बढ़ाने के लिए कुछ घरेलू उपाय के विषय, कुछ ऐसे और अचूक उपाय जिसको अगर महिलाएं प्रयोग में लाती है तो उनके स्तनों में दूध निश्चित तौर पर बढ़ जाती है और उनके बच्चे का जो पोषण होता है वो सही ढंग से हो पाती है। फ्रेंड्स, बच्चे को जन्म देने के बाद महिलाओं का शरीर स्तनपान के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे में ब्रेस्ट से पर्याप्त दूध आना बहुत ही जरूरी है क्योंकि बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क से ही पोषण मिलता है। माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत समान होता है, वहीं माँ के लिए भी स्तनपान कराना दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। लेकिन कई बार कुछ विशेष कारणों से स्तन में दूध की कमी हो जाती है जिससे बच्चे को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता। यह स्थिति माँ और नवजात दोनों के लिए समस्या पैदा करता है। आज हम बता रहे हैं कुछ ऐसे उपाय जो इस समस्या से आपको बचाने में मदद करेंगे। माँ बनने के बाद जितना हो सके सूखे मेवों का सेवन करना चाहिए। काजू, बादाम, पिस्ता जैसे मेवे स्तनों में दूध की मात्रा बढ़ाने में बहुत ही सहायक होते हैं। ये विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। फ्रेंड्स, जो अगली उपाय है वह है सौंफ। आयुर्वेद के अनुसार सौंफ का सेवन स्तनों में दूध की कमी को दूर करने में मदद करता है, इसलिए स्तनों में दूध की मात्रा ठीक करने के लिए सौंफ का सेवन आप कर सकती हैं। मैं आप सभी को अगला घरेलू उपाय बताऊं उससे पहले एक बहुत ही जरूरी जानकारी जो आप सभी के साथ में शेयर कर देना चाहता हूं। जन्म के बाद 1 घंटे तक नवजात शिशु में स्तनपान करने की तीव्र इच्छा होती है, इसलिए जन्म के बाद जितनी जल्दी माँ बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दे उतना ही अच्छा है। आमतौर पर जन्म देने के 45 मिनट के अंदर स्वस्थ बच्चे से स्तनपान शुरू करवा देनी चाहिए। माँ का गाढ़ा पीला जो दूध होती है, जो सर्वप्रथम बच्चे स्तनपान करते हैं, वह बच्चे के लिए अमृत के समान होती है। आइए जानते हैं अगले घरेलू उपाय के विषय में जो महिलाओं में दूध बढ़ाने में बहुत ही कारगर है, वह है तुलसी और करेले का सेवन। तुलसी और करेला दोनों ही विटामिन के काफी अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इसके इस्तेमाल से स्तनों में अधिक दूध पैदा होता है। फ्रेंड्स, चौथी जो सबसे अच्छी उपाय है वह है मुलेठी। जिन महिलाओं को स्तनपान के दौरान दूध कम बनता है ऐसी महिलाओं को मुलेठी का सेवन करना चाहिए। मुलेठी स्तनों में दूध बढ़ाने में मदद करती है। इसके लिए 2 चम्मच मुलेठी चूर्ण और 3 चम्मच सतावर चूर्ण को 1 कप दूध में उबालें। जब उबलते हुए दूध पककर आधा हो जाए तो इसे आंच से उतारें। इसमें आधा सुबह और आधा शाम को 1 कप दूध में मिलाकर लें। अगर कुछ दिनों तक ये मुलेठी का और सतावर का आप सेवन कर रही हैं तो दूध काफी मात्रा में बढ़ जाती है। जितने भी घरेलू उपाय हैं उसमें सतावर और मुलेठी सबसे ही कारगर है महिलाओं में दूध बढ़ाने के लिए, बहुत ही कारगर है ये घरेलू उपाय। जो अगली है वह है मेथी दाना। ये मेथी दाना भी दूध बढ़ाने में बहुत ही कारगर है। मेथी दाना को पीसकर इसका 1 बारीक पाउडर बनाकर रोजाना 1 चम्मच मेथी दाना सुबह और 1 चम्मच शाम को दूध के साथ लेनी है। ऐसा करने से आपको ज्यादा मात्रा में दूध बनने लगेगी और जो दूध की समस्या हो रही है महिलाओं में वह ठीक हो जाती है। दूध भरपूर आने लगती है, बच्चे को पोषण भी भरपूर मिलने लगती है। फ्रेंड्स, अगली जो है वह है दूध दलिया का प्रयोग। खाने में पौष्टिक भोजन करें, हरी सब्जी लें
फलों का सेवन करें, साथ में दाल भी ले और दलिया का प्रयोग करें, ये दूध बढ़ाने में बहुत ही कारगर है। ऐसे तो और भी बहुत सारे घरेलू उपाय हैं जिसके प्रयोग से महिलाओं में दूध की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन जो सबसे कारगर घरेलू उपाय है मैंने आपको बता दिया, और इनका प्रयोग अगर महिलाएं कर रही हैं तो निश्चित तौर पर उनके स्तनों में दूध की मात्रा बढ़ जाती है, बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध मिलने लगती है, बच्चे का विकास, बच्चे का ग्रोथ भी सही ढंग से होती है, और बच्चे आगे चलकर बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं अगर वह माँ का दूध पी रहे हैं। इसलिए सर्वप्रथम माँ का दूध का ही सेवन बच्चे को कराएं। अगर दूध कम हो रही है माँ को तो ये घरेलू अपनाकर कम से कम 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी है। ऐसे बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही तेज होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।